हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। गोस्वामी फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं यहाँ आटा गूंद रही हूँ। आटे में मैंने कसूरी मेथी डाली है जिससे कि खुशबू अच्छी रहेगी, इसलिए आटा अच्छा लगेगा देखने में। इसको थोड़ी देर में रख दूँगी। और इधर हमारे मतलब छोले बॉयल हो ही चुके थे, उसके लिए मैं दो टमाटर डालूँगी उसमें और दो हरी मिर्च और अदरक का थोड़ा टुकड़ा लूँगी, क्योंकि प्याज तो डलेगी नहीं ना, तो मैं इसको ही बस मिक्सी में पीस लूँगी इनको ही, जिससे कि थोड़ी ग्रेवी जो है अच्छी हो जाएगी इससे। ये है। और पता है मैं सुबह के 5 बजे उठ गई थी, 5 बजे उठ के तब मेरा काम जल्दी हुआ है, वरना तो नहीं होता। उसके बाद मैं नहा तो ली थी ऐसे, फिर मैं चेंज किया, साड़ी पहनी और उसके बाद बस ये मंगलसूत्र वगैरह पहन रही हूँ। कभी कभी अच्छा लगता है ना, कभी कभी ऐसी चीज़ें ये ना कभी कभी पहनो तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम नया लुक सा लगता है, अपने आप को भी अच्छी फीलिंग आती है। कंठी भी मैं पहन रही हूँ और फाउंडेशन वगैरह भी मैं कभी कभी लगाती हूँ। मैं इस आज लगा रही हूँ वैसे, क्योंकि वैसे तो मैं खाली सोप से मुँह धो लेती हूँ, मुझे आलकस ही इतना है, आलकस क्या लगे मैं सोचती हूँ ना गर्मी में क्या लगाऊँ करके ना डेली, इस चक्कर से मैं कुछ नहीं करती अपने फेस पे ना। आप देखते भी होंगे वैसे तो वीडियो में कि हाँ किस तरह से रहता है मेरा फेस, तो इसलिए रहता है। कभी कभी मन करता है कुछ करने का, कानों के बदल में फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को अगेन हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएँ सभी को। सब लोग अच्छे से खुशियों से मनाएं, जैसे कि मेरे जीवन में हरियाली तीज खुशियाँ लेकर के आई है। आई होप कि सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आई होंगी। और मैं हो गई हूँ रेडी, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस ये गोल्ड की थोड़ी चीज़ें पहनी है। कानों में मैं ये लाई थी, आप बताना कैसे लग रहे हैं, ये पहने हैं और ये चूड़ियाँ पहनी है। वैसे तो बोलते हैं ना कि ग्रीन साड़ी पहननी चाहिए हरियाली तीज पर, लेकिन मैंने ये पहनी है क्योंकि मेरी सारी जितनी साड़ियां हैं सारी गांव हैं। अभी मैं कुछ नहीं लाई थी यहाँ पे, सिर्फ यही थी, तो मैंने सिर्फ यही पहन ली। लेकिन ये है कि साड़ी पहनते हैं तो ऐसे ओके उन पे मतलब जो भी त्यौहार होते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अच्छा फील कर रही हूँ साड़ी पहन के। मेरे पास यही थी ग्रीन कलर की, मेरे पास 2 साड़ियाँ हैं, सब गाँव हैं। अब मैं धीरे धीरे ले कर आऊँगी और मैं आपको अपने हाथ की मेहंदी दिखाती हूँ। ये देखिए, आप लोग बताना कैसी लग रही है मेरी मेहंदी, ठीक है। और मैं आपको पूरा लुक अपना दिखा देती हूँ। मेरे साड़ी भी नहीं ऐसे बनी क्योंकि वो कुछ भी जाएंगे, पल्ले बना रही थी मैं यहाँ पे, घूम बना रही थी तो मेरे को लेट हो रहा था, नीचे भी पता नहीं कैसे कैसे हो गया, लेकिन मैंने ऐसे ही बना लिया जल्दी में। इस तरह से रेडी हुई हूँ, तो आइए हम चलते हैं अपने किचन में। सबका यही काम है, रेडी हो किचन में जाओ, तो चलते हैं क्योंकि वाइना भी निकालना है, उनको टिफिन भी देना है, तो लेट हो रहा है थोड़ा काम। तो आपको देखा ही, जैसे आपने पहले कर लिया था, मैंने नहा के दूसरे कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि साड़ी में छुड़ी में आटा गूंथता नहीं ना, तो इसलिए इनमें भर जाता है, इसलिए मैंने वो चीज़ काम पहले कर लिया था। और यहाँ मैं छोले बॉईल तो थे ही और टमाटर वगैरह भी पीस के चली गई थी। रेडी होने के बाद बस मेरे को छोले छोंकने हैं, बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तेल डाल दिया है मैंने कढ़ाई में, मसाले वगैरह सब लेके ही रख ली हैं। और साड़ी में तो काम ही नहीं हो रहा, इस तरीके से मेरे को इसमें टक करनी पड़ रही है, साड़ियाँ बार बार खींची जा रही है। और मेरे को बाद में याद आया, बाल तो खुले हैं अभी, तो जूड़ा बांध लिया इसलिए, क्योंकि किचन में तो खुले बाल तो रखते ही नहीं है ना, इसलिए। जब मैंने छोले बॉईल किए थे ना, तब मैंने उसमें खड़े मसाले और क्या बोलते हैं उसको, कड़ी पत्ता, हाँ सॉरी कड़ी पत्ता ये डाल दिया था। और जो छोले मैं ये बना रही हूँ, तो क्या हुआ, छोले आधे छोलों को मैंने मैश कर लिया है, आधे साबुत रहने दिए हैं, वो इसलिए मैश किए हैं ताकि उसकी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी रहे, पतली ना हो मतलब। तो देखना आप लोग भी कभी ट्राई करना ऐसे, अगर मैश जो नहीं करते हैं बहुत ही अच्छा रहता है, अच्छे बनते हैं।
और वैसे मैंने अदरक उसमें डाल दिया था, लेकिन अदरक पेस्ट है मेरे पास तो मैंने और अदरक में इसमें डाल दे रही हूँ, और जिससे कि हमारी सब्जी में कलर प्यारा सा आए। तो थोड़ा डाला है मैंने ये हमारी कश्मीरी मिर्च, जिससे कि सब्जी का कलर होगा एकदम मस्त, देखने में अच्छी लगती है। खाने का तो पता नहीं होता ना कैसे हो, लेकिन चलो देखने में तो अच्छी होती है ना। बस पानी डाल के अपने मसाले को थोड़ी देर में भूनने दूंगी। उसके बाद हमारा मसाला यहाँ भुन ही चुका है, मैंने 3-4 मिनट के इसको छोड़ दिया था, तब मैं यहाँ छोले डाल ली हूँ अपने सब्जी उसमें कढ़ाई में। मैंने लोई बना के रख ली और बस तेल गरम हो रहा है, पूरी उतार लूँगी। इसमें खीर बनाने रखी है और रायता भी बना लिया है मैंने, क्योंकि तो 2 जने तो हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ बनते। और बस फटाफट से मैं बना लूँगी अपनी पूरियाँ, क्योंकि लगभग हमारा सारा खाना बन ही चुका है। बीच बीच में मैं खीर बननी है ना, तो बीच बीच में मैं खीर भी चलाती रह रही हूँ ताकि खीर मेरी मतलब नीचे लगे ना, क्योंकि चावल जो होते हैं वो चिपक जाते हैं ना, इसलिए। खाना है तैयार, खाने में पूरी, छोले, रायता, खीर ये सब बनाए हैं, और मेरे छोटे से गणपति बाबा हैं, मैंने पूजा साफ कर ली है। और ये हमारे यहाँ बनते हैं गौर माता, जो मिट्टी की बनाई जाती है, तो ये मैंने बनाई है मेकअप में, क्योंकि मेकअप में मैंने ये रखा है मम्मी जी के लिए, क्योंकि वो जो लगाती हैं, आपने देखा ही है मम्मी मेरी ऐसे फैंसी नहीं है, वो जो लगाती है मैंने वही चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। और मेरे को पता था कि और इसमें मैंने जल रखा हुआ है गिलास में, क्योंकि वहाँ से दूसरे रूम में शिफ्ट हुए तो वहाँ लोटा तो था, लेकिन मुझे लगा वो होगा, मैंने देखा तो वो नहीं था। अब पता नहीं ये लेके नहीं आए, वहीं रखा रह गया, पता नहीं कैसा था, क्योंकि मेरे पीछे ही सामान लाए थे ये। बस हम करते हैं पूजा। पहले जो हमारा जल है उसको हम चारों तरफ अपनी थाली के, जो हमारी थाली है तैयार, उसके चारों तरफ फिरा लेंगे। और ये मैं गलती से पहले भूल गई थी, तो पहले मैं भूख लगाने के लिए उनके मैं टुकड़े तोड़ने लगी थी, फिर मेरे को याद आया पहले श्रृंगार करना है माता रानी का, तब मैं ये फिर श्रृंगार करने लगी। एक बिंदी का पत्ता मैं अपने लिए लाई थी, जिसमें से कि मैं अपनी माता रानी को लगाऊंगी, गौर माता ही बोलते हैं वैसे तो, दोनों दो बनाए हैं मैंने उनके ऊपर, जो गौर माता होती है उनके ऊपर एकदम नया कपड़ा ढका जाता है ओढ़नी के रूप में, तो ये बिल्कुल नया हैंकी लाई हूँ मैं, तो मैं वो ढका हुआ है। सिंदूर भी भरते हैं, मतलब पूरा श्रृंगार करते हैं जो भी रखा रहता है। उसके बाद मैं अब भोग लगा रही हूँ, कि पहले तो मैं भूल ही चुकी थी ना, इसलिए तो इनके मुँह पर चिपका देते हैं बस इनको खिलाने के बाद। उसके बाद बस हाथ जोड़े मैंने, बस यही बोलते हैं कि बस सुख शांति दे सबको, खुश रखो। और बस ये जो हमारा जल है ये बस गौर माता के चारों तरफ फिरा देते हैं, चढ़ा देते हैं। हमारी जो पूजा है वो हो गई है, हमारी समाप्त हो गई है। पूजा करने के बाद मैंने इनका लंच इसमें पैक किया, क्योंकि आज 3 टिफिन से ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए मैंने इनकी जो पूरियां हैं वो अलग टिफिन में रखी हैं। आप लोग भी खा लीजिए खाना, आपने थाली तो तैयार की है, मैंने तो
वो मैं ऐड करना भूल चुकी थी। अब बताना कैसा बना है खाना। कभी कभी मैं इनकी जो लंच बॉक्स है उसमें चम्मच रखना भूल जाती हूँ, इसलिए मैं वैसे तो याद ही रखती हूँ। इस ये जो टिफिन है ना, इसमें मैंने पूरी अलग से रखी है। अब उनकी फरमाइश से ओट्स बनाओ, तो मैं उनके लिए ओट्स की तैयारी कर रही हूँ। बस तेल डाल दिया, टमाटर काट दिया, बस उसको ही छोंकना है, इसे मतलब उसको ही छोंकना है। और इधर श्री का वो सॉरी एंजल का दूध गर्म हो रहा है, उसके लिए तैयारी करके रखती हूँ दूध को। बस इधर हमारे देखिए, मैंने फिर भी लगभग समेट ही दिया, बस क्लीन नहीं किया अभी, क्योंकि अभी तो किचन का काम पूरा ख़त्म नहीं हुआ। बस ये बर्तन पड़े हैं, बाद में बस इनको क्लीन करना है छुट्टू। अभी बजे हैं 8:30, तो उनके टिफिन मतलब ऑफिस जाने तक सारा काम मतलब उनका टिफिन, उनके खाना नाश्ता का सब काम खत्म हो जाएगा, बस मेरा रह जाएगा ये बर्तन साफ करने का। ये है हमारी ओट्स तैयार, आप लोग भी खा लीजिएगा, बहुत टेस्टी बने थे पता है। और इधर ये भी रेडी हो चुके थे, मैं इनका आशीर्वाद लेने आई थी, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है ऐसे मौक़ों पे, तो अब कोई है ही नहीं तो यहाँ पे मेरे लिए तो यही है सब कुछ। अंदर होगा, एंजल के डैडी भी हो गए हैं तैयार, एंजल अभी सो रही है तो इसलिए जल्दी जल्दी काम भी फिनिश कर लिया। धीरे से जाना है काम, फिर यहाँ तो ना है, तकिए के नीचे देखो, यार मिल गया, बंद करिए चुपचाप। इतना डर तो किसी का भी नहीं है जितना डर ना एंजल का है, बस डर यही है कि उठ ना जाए करके ना, बस और तो कोई डर नहीं है। बस वो मास्क धुलेगा क्या, धुलने वाला रख दिया नया नया। ये देखो हीरो बन के जाते हैं, परफ्यूम छिड़क के जाते हैं रोज, और ऐसा इतना बहुत ही प्यारा परफ्यूम है ये, इसमें जो ना कपड़े धुलते भी हूँ ना मैं, उसके बाद भी नहीं जाती इसकी जो खुशबू है ना, बहुत अच्छी खुशबू है। जब मुझे ये देखने आए थे तो मैं सबसे पहले ये जो खुशबू थी ना परफ्यूम की, ये खुशबू फील करी थी जो कि मेरे साथ अब तक है। सच में इसकी खुशबू ना मैं नहीं भूलती, तब मैंने सबसे पहले इसकी खुशबू देखी थी। ठीक है, बाय, कल की तरह आ जाना फिर तो मैम आ ही जाएंगे आपकी। एंजल के डैडी चले गए हैं ऑफिस, और मैं अभी मेरा काम तो वैसे खाना तो बन ही चुका था, थोड़े बहुत जो बर्तन मैंने आपको दिखाए थे वो भी साफ कर लिए थे, बस अब एंजल उठ जाएगी तो उससे पहले मुझे चेंज करना है साड़ी, मेरा ज़्यादा देर रहा नहीं जा रहा, पूरा काम तो इसमें भी कर लिया तो बस। और आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ आज, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना। ओके एंड लव यू ऑल, आई होप फ्रेंड मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, अब तो बनता ही है देखो लाइक, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, वहाँ भी मेरी आईडी इसी नाम से है, गोस्वामी फैमिली ब्लॉग, इसी नाम जिस नाम से मेरा चैनल है। और हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ एंड